अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम कुशमाला अहमद, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ ये ब्रॉन्ज ग्लैम मेकअप। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए। और किस चीज़ का इंतज़ार है, बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आई लेट यू नो स्टेप बाय स्टेप कि मैंने किस तरीके से इस लुक को अचीव किया है। Starting off with the primer, I'm using LSM Beauty Glow Primer. It's a beautiful serum and it really hydrates your skin before makeup. इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ मैं बहुत लिम्फेटिक मसाज भी कर रही हूँ अपनी स्किन का, ताकि जो भी कोई सी भी अगर मेरी बहुत ज़्यादा पफ़ी स्किन है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए और एक बहुत अच्छा कैनवस मिले और बहुत अच्छे तरीके से मेरी स्किन में ब्लड सर्कुलेट करना स्टार्ट कर जाए। After that, I'm going to use Smashbox Photo Finish Primer. It's a very good silicone-based primer. और basically मैं अपने सेंटर ऑफ माई फेस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस प्राइमर को, ताकि वहाँ मैं अच्छे तरीके से अपने पोर्स फिल इन करूँ और कोई भी अगर मेरी लाफ लाइन्स हैं उनको अच्छे से फिल इन करके वो बहुत अच्छे से प्राइम्ड हो जाएं और मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग स्किन टोन फाउंडेशन बाई टॉप फेस सतरंगी और आई एम इन द शेड 07। इट्स अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। After blending in my foundation, I am going to use a cream bronzer. Cream bronzer क्यों use कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत long lasting makeup चाहती हूँ और इसके लिए मैं cream bronzer पहले use कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे bronze या chisel करना है अपने face को, और उसके बाद I am going to use a powder bronzer ताकि वो एक बहुत long lasting makeup और bronzer रहे और bronzer fade ना कर जाए, जो कि अक्सर कर जाता है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से क्रीम ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ और उसको सारा ब्लेंड करने के बाद बाय यूजिंग अ ब्रश फिर मैं एक कोई भी ब्यूटी स्पंज लूंगी और अगेन मैं अच्छे तरीके से ब्रॉन्जर को पोशन करूंगी अपनी स्किन में, ताकि बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लुक आए। जब तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ कंसीलर। कंसीलर मैंने फॉरन फाउंडेशन के बाद क्यों नहीं यूज किया, वो इस वजह से आई वॉन्टेड टू यूज अ क्रीम ब्रॉन्जर फर्स्ट आफ्टर माई फाउंडेशन और फिर उसके बाद मैं कंसीलर यूज करूँ, ताकि जहां जहां मुझे हाईलाइट और कंसील करना है उसको मैं करूँ और ब्रॉन्जर मुझे एक डायरेक्शन देगा कि मुझे कहाँ अपना ब्रॉन्जर चाहिए और कहाँ तक मुझे अपना हाईलाइट करना है अपने अंडर आइज को और अपने चीक बोन्स को। तो इस वजह से मैंने कंसीलर बाद में यूज किया है और मैंने ब्रॉन्जिंग क्रीम ब्रॉन्जिंग मैंने पहले की है। इससे आप जैसे इमीडिएट इफेक्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन लग रहा है मेरा फेस और बिल्कुल जैसे एक स्ट्रक्चर मिल गया मेरे फेस को, दैट देयर इज अ डेफिनेट ब्रॉन्जर कॉन्टोर गोइंग ऑन एंड देन अ कंसीलर गोइंग ऑन। सो दैट्स व्हाई आई यूज कंसीलर आफ्टर क्रीम ब्रॉन्जर। उसके बाद मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को सेट कर रही हूँ, बेक कर रही हूँ अंडर माय आईज और बाकी पूरे चेहरे को मैं सेट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ फॉर द आईज आई एम गोइंग टू यूज हुदा ब्यूटी न्यू न्यूड ऑब्सेशन पैलेट इन द शेड मीडियम और इसका मैं एक सैटल ब्राउन शेड ले रही हूँ एक फ्लफियर शेडर ब्रश के थ्रू और अपने ऑल ओवर माई लिड अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं अपनी लिड पे अप्लाई करूंगी और उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्रीज ब्रश और उस क्रीज ब्रश के थ्रू मैं वही सेम शेड अपने क्रीज पे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करने लग जाऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्यों मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मैं एक बहुत ही स्मोकी इफेक्ट देना चाह रही हूँ और बहुत ब्लोन आउट इफेक्ट देना चाह रही हूँ। इसी वजह से मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सेम शेड, देयर इज नो डिफरेंट शेड, लेकिन मैं बहुत ब्लोन आउट इफेक्ट देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज पे और अपने आउटर वी पे। नाउ आई एम यूजिंग एन अदर शेड विच इज अ डार्कर शेड, डार्कर ब्राउन शेड इन द पैलेट और मैंने एक बहुत फर्म शेडर ब्रश लिया है और मैं अपने आउटर वी को अच्छे तरीके से
टाइट लाइन कर रही हूँ, उसको एक वी शेप बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाह रही हूँ और डिफाइन करना चाह रही हूँ। अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल बिल्ड द कलर। मैं फौरन एकदम से यूज नहीं कर रही हूँ बहुत डार्क, मैं उसको बहुत टैप करके बहुत आहिस्ता जितना मुझे डिजायर चाहिए उसको स्मोक आउट करने के लिए, उसको पिगमेंटेड एक सॉकेट बनाने के लिए उतना मैं बहुत ग्रेजुअली यूज कर रही हूँ, एकदम से डार्क यूज नहीं कर रही हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रही हूँ। और फिर मैं वही सैडल शेड अपने पूरे ऑल ओवर माई लिड यूज कर रही हूँ, और उसके बाद मैं गोल्डन शिमर शेड यूज कर रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट और अपने लिड पे उसको अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब मैंने अपने लिड पे अप्लाई कर लिया उसके बाद अगेन मैं वही डार्क ब्राउन शेड यूज करूंगी और उसको मैं दोबारा से, क्योंकि कभी कभार आपकी पिगमेंटेशन थोड़ी कम हो जाती है, वो दोबारा उसको रीडिफाइन कर रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ। After smoking out my lower lash line, I am going to use Stila glitters, eyeshadow glitters in the shade Bronze Bell, और उसको मैं अपनी lid पे use कर रही हूँ। मुझे ये इतना कोई खास पसंद आया नहीं, so what I am going to do to make this look more amped up, मैंने नादिया हुसैन का eye bling use किया है in the shade Dull Gold, और उसको inner portion में, क्योंकि bronze मैं लगा चुकी थी उसको मैं mess up नहीं करना चाह रही थी, मैंने अपने inner portion पे मैंने उसको use किया है ताकि बहुत स्मोकी और बहुत ग्लिटरी इफेक्ट मैं दे सकूं अपनी आई लुक को, विच आई रियली वांटेड। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से यूजिंग माय फिंगर्स ब्लेंड कर लिया है ताकि एक बहुत ओम्ब्रे इफेक्ट आए गोल्डन ब्रॉन्ज का। देन माय आई लुक इज कंप्लीट। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से पाउडर ब्रॉन्ज कर रही हूँ। पहले मैंने एक बहुत डिफाइन ब्रश लिया है, उससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ और उसके बाद मैं कोई भी बफर ब्रश लूंगी और अच्छे तरीके से इसको बफ कर दूंगी अपने पूरे चेहरे को यूजिंग ब्रॉन्जर ताकि एक बहुत ब्लेंडेड सा लुक आए। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज अ ब्लश। ब्लश मैं बहुत न्यूट्रल सा यूज कर रही हूँ बाय यूजिंग बेका पैलेट, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूट्रल सा ब्रॉन्जी सा ब्लश है और वो मैं अपने चेहरे पे नहीं, अपने ब्लश पे, अपने एप्पल्स पे, व्हाट एम आई सेइंग सीरियसली, बेसिकली मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ ऑन द एप्पल्स ऑफ माय चीक्स। कभी कभी मैं इस तरह ब्लाबर कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। खैर, आफ्टर अप्लाइंग ब्लश, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, आई एम गोइंग फॉर द हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं दो शेड्स मिक्स कर रही हूँ, ब्रॉन्जर ब्रॉन्ज शेड और गोल्डन शेड बाय यूजिंग द आर ग्लास हाइलाइटर। मैं यूज कर रही हूँ बहुत ही प्रिसाइज क्रीज ब्रश, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत टारगेटेड हाइलाइटिंग करना चाहती हूँ। मैं ऑल ओवर ग्लो नहीं देना चाहती अपने ब्रॉन्जर पे भी, अपने ब्लश पे भी, आई वॉन्टेड अ वेरी टारगेटेड ग्लो। इसी वजह से मैंने बहुत ही प्रिसाइज ब्रश यूज कर रही हूँ अपनी नोज पे और अपने चीक्स पे, जहां जहां मुझे अपने क्यूपिड बोज पे मुझे हाइलाइटर चाहिए। After using that, the last step of this makeup is lipstick. सबसे पहले मैंने ColourPop की CA Love lipstick use की है और फिर उसको top किया है Huda Beauty की Demi Matte lipstick in the shade Day Slayer. And guys, this is the final look. जैसे कि आप देख सकते हैं, I hope आप सबको बहुत पसंद आया हो। मुझे ये look create करते हुए बहुत मजा आया। It's the perfect bronze smoky glamorous makeup which I love and I can use it on any occasion. Trust me, this look can look on anyone. Sab pe ye look suit karega. Aur apna bahut khayal rakhein. Take care. Allah Hafiz.